मिथिला नगरी के पास नगर सेठ की, उसके पास धन था, एक पीढ़ी खाए दूसरी पीढ़ी खाए, लेकिन तीसरी पीढ़ी का क्या होगा उस चिंता से वो चकनाचूर था। घूमता घामता कोई रमता जोगी गांव में आया, सरिता के किनारे सुंदर मधुर वातावरण में, खुले हवामान में, प्रकृति के सौंदर्य में मन को आह्लाद मिले, ऑक्सीजन खूब मिले तन को, ऐसी जगह पर उस फकीर ने, उस संत ने अपनी कुटीर बनाई थी। गांव के लोग संत बाबा के दर्शन करते खुशहाल हो जाते। धीरे धीरे उस सेठ के कान तक बात पहुंची कि संत जो आए हैं वो किसी वाड़े संप्रदाय मत मजहब के एक छोटे से कुंडाले वाले नहीं हैं, ये संत तो अपने आप में जगे हुए हैं। जिस तत्व में श्री कृष्ण मुस्कुराते थे, जिस तत्व में भगवान संब सदाशिव रमण करते हैं, जिस स्वरूप में ब्रह्मदेव समाधिस्थ रहते हैं, उसी तत्व में जगे हुए संत हैं। वो कोई साधारण संत नहीं, जीवन मुक्त है, प्राणी मात्र में अपने आप को निहारने वाले संत हैं। और इस संत की मंदिर में या पूजा गृह में ही पूजा नहीं होती, इस संत का तो श्वास श्वास में पूजन हो रहा है। वो जो कुछ करता है उसकी बंदगी हो जाती है, और जो कोई व्यक्ति जाता है मनोकामना पूरी करके आता है। मेरी मनोकामना होए कि मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां धनाढ्य रहे। दो पीढ़ी तक का धन है, तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी का क्या होगा, ये मेरे कष्ट का निवारण वही संत कर सकते, दूसरा नहीं करेगा। अगर राजा को बताता हूं तो राजा तो और टैक्स डाल देगा, और किसी को कहता हूं तो लोग मूर्ख कहेंगे। दिल का हाल सुने दिल वाला, जो सब दिलों में अपने को देखते हैं वही सच्चा दिल वाला होता है। फिल्म वाले तो गाते हैं, गाने दो उनको, दिल वाला तो ब्रह्मवेता ही होता है। जो हर दिलों में अपने को निहारता है वही बड़ी दिल वाला होता है। जय राम जी की। ऐसे ब्रह्मवेता के पास जाऊंगा तो शायद मेरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी, और वो मनोकामना पूर्ण करते हैं, कारण के मन के पार गए हुए ब्रह्मवेता है। दरिद्रों के पास क्या हाथ फैलाना, कोई शहनशाह के पास ही तो झोली खड़ी कर दो और जगह मांगना ना पड़े। ऐसे दाता के पास मैं जाऊं, नगर सेठ संत रूपी दाता के द्वार पर आया है। जय श्री कृष्ण। ये संत दाता कैसे बने, विषय था एकाग्रता का। जयराम जी की। बिना एकाग्रता कोई संत का संतत्व तो सफल होता है क्या? बाबा जी आपका नाम सुनकर आपके श्री चरणों में आया हूं, मेरे पास और तो ठीक है, एक पीढ़ी खाए दूसरी पीढ़ी खाए उतना धन तो है, लेकिन तीसरी पीढ़ी का क्या होगा, इस चिंता ने मेरा सुख शांति चैन चुरा लिया है। आप कृपा करके मेरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं पीढ़ी का कुछ रास्ता दिखा दीजिए, इतना कुछ धन दे दीजिए महाराज। बाबा ने कहा बस सात पीढ़ी क्या, बस 21 पीढ़ी तेरी खुशहाल कर दूं। बोले महाराज फिर तो तुम्हारे जैसा भगवान भी नहीं। बोले भगवान और हम दो नहीं हैं, और भगवान और तुम भी दो नहीं हो, तुमने जाना नहीं और हमने जाना है, बाकी तो वही का वही है। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। बलिहारी उस घट की जिस घट में वो प्रगट हुआ है। बाबा जी तो आपके घट में प्रगट हुआ है, उस भगवान को कह दो कि मेरी 21 पीढ़ियां सुखी रहे, धनाढ्य रहे। मेरे को बड़ी चिंता कि दो पीढ़ियों के बाद क्या होगा बच्चों का। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने एक झोपड़ा है, सासू बहू रहती हैं। बोले हाँ महाराज, हाँ हाँ। मैं कल सुबह जाकर उनके घर में सीधा दे आना, एक दिन का ही सही, क्योंकि तुम बड़े सेठ हो, जितना कंजूस होता है उतना उसको लिमिटेड काम करने को कहा जाता है। तुम एक दिन का ही आटा दाल चावल नमक मिर्ची सीधा दे आना,
बोले महाराज, एक दिन का सीधा देने से अगर मेरी 21 पीढ़ियों को धन मिल सकता है तो ये धंधा तो मैं जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। आप मेरी दिवाली उसी दिन है। महाराज सेठ जी को संकेत किया, सेठ जी दूसरे दिन सुबह पहुंच गए, कुछ आटा। सेठ जी थे ना जिनको तीसरी पीढ़ी की चिंता थी, इतने वो उदार सेठ थे ना, जरा सा आटा पाव भर चावल, थोड़ा सा गुड़ ले गए, थोड़ा सा घी ले गए, जय जय, सूंघ ले तो भी खत्म हो जाए, थाली में ले गए सीधा। और झोंपड़े पर दस्तक दी सेठ ने, झोंपड़े का दरवाजा ऐसा था कि खोलने की जरूरत न पड़े, झोंपड़े का हाल अहवाल दिख जाए। सेठ ने पहले तो झांक लिया, देखा कि बुढ़िया साधु ध्यान मग्न है और उसकी बहू घर का कुछ काम कर रही। दरवाजा खोलो, लक्ष्मीचंद सेठ आया हूं। नाम तो लक्ष्मीचंद लेकिन भीतर से महादरिद्र, नाम तो करोड़ी मल लेकिन नौकरी के ठिकाने नहीं, नाम है लक्ष्मी और गोबर ढूंढ रही। गोबर बिनत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छा मेरा ठन ठन पाल, अच्छा मेरा ठन ठन पाल। नाम बड़ा हो गया लेकिन दिल बड़ा नहीं हुआ तो, और बड़े में बड़ा दिल वो है कि जो बड़े में बड़ा परमात्मा उसको प्यार करता वही बड़ा दिल है, बाकी सब छोटे दिल। जो प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु का ध्यान धरता है और प्रभु के प्यारों के वचनों को अपने जीवन का अंग बना देता है वो बड़ा हो जाता है, चाहे फिर सुदामा क्यों ना हो, सुशीला क्यों ना हो, शबरी क्यों ना हो, और ये बहू और सासू क्यों ना हो। सासू भी बड़े में बड़े विश्वम भर के ध्यान में मग्न है और बहू घर काम कर रही है। लक्ष्मीचंद सेठ बोलते हैं दरवाजा खोलो, द्वार खुला, ये सीधा ले लो। बहू कहती है कि सेठ जी सीधा की आवश्यकता नहीं है, आज दोपहर की और शाम की रोटी हो सके इतना अनाज पड़ा है, कोई ना कोई क्या पता कल दे गया है, आज का है। तो बोले कल काम आएगा। सेठ जी कल जिसने जीवन दिया वो कल ख्याल नहीं करेगा कि आज लेके रखूं? कल का सूर्य उदय जो करेगा तो वो कल के प्राणों की आहुति देने का क्या मौका नहीं देगा? माता के गर्भ में जिसने रक्षा की और माता के गोद में आते ही जिसने अनुकूल पैपान बना दिया, पक्षी आज खा लेते हैं, अभी खा लेते हैं, शाम का भी उसको चिंता और ख्याल नहीं होता फिर भी खा लेता है, अभी जिस डाल पर बैठा है कल किस डाल पे बैठेगा उसे पता नहीं फिर भी जीवन जी लेता है कि लोल कर लेता है। तो सेठ जी हमारे पास दिन भर को है, फिर हम कल की चिंता करके ये क्यों परिग्रह करें, क्यों ले रखें। सेठ सोचता है कि क्या कह रही हो तुम, आज का ही है ना? बोले हाँ, कल का तो नहीं है। बोले कल का नहीं है लेकिन कल अभी है नहीं, जब कल आएगा तो कल का भी आ जाएगा। न जाने कितने जन्मों में कहां तक जिए और हर जन्म में खाना पीना जीना मिला था और इस जन्म में भी तो खाना पीना जीना मिला है, उस जीवनदाता का ध्यान भजन चिंतन छोड़कर इन चीजों को थप्पी लगाकर हम अपना समय क्यों बर्बाद करें सेठ जी? समय क्यों बर्बाद करें सेठ जी? बात सुनते सुनते सेठ जी का भीतर का पट खुला के मैं ही अभागा हूं कि एक पीढ़ी खा सके दूसरी पीढ़ी भी खा सके फिर भी चिंता करता हूं और कल के सीधे को अस्वीकार कर रही है। देवी की सासू जागी और ध्यान मग्न वो बुढ़िया की निगाहें पड़ी। लक्ष्मीचंद सेठ सचमुच में अंदर भक्ति की लक्ष्मी, ज्ञान की लक्ष्मी को पाकर धनवान हो गया और फकीर के चरण में जा गिरा के महाराज मेरी 21 पीढ़ियां सचमुच में धनवान हो गई, अब मुझे रास्ता मिल गया, अब कुंजी मिल गई। तो ऋषि और संत, तुम्हें बाहर की नौकरी का प्रमोशन मिल जाए, तुम्हारी बदली ना हो अथवा तुम बदली चाहते और फट से होने लग जाए, इस प्रकार के छोटे आशीर्वाद से तुमको रिझाना नहीं चाहते। संत तो कहते हैं कि बदली तुम्हारे मन मांगी हो चाहे न हो, प्रमोशन तुम्हारा मन मांगा हो चाहे न हो, लेकिन तुम मन की गुलामी से पार हो जाओ तब तुम्हारा साहब तुम्हारे इशारे से नाचने लग जाए, ऐसे साहब को तुम जगा देना। विघ्न बाधाएं न आए ऐसा भक्त नहीं सोचता, भक्त तो सोचता कि विघ्न बाधाओं से मैं दबू नहीं, ऐसी मुझे शक्ति देना।
सुख संपत्ति में गरकाव हो जाऊं ऐसी साधक भक्त या संत इच्छा नहीं करता। सुख संपत्ति का सदुपयोग करके अंदर की संपदा को जगा दूं ऐसी तू कृपा करना। शारीरिक आवश्यकताएं बढ़ा दूं और शारीरिक आवश्यकताओं में अपने आप को गरकाव कर दूं ऐसी दुआ भक्त नहीं मांगता। भक्त तो वो आशीर्वाद मांगता है कि शरीर की आवश्यकता पूरी करने के बावजूद भी हम अपनी आवश्यकता का ख्याल न भूले, शरीर की आवश्यकता के साथ साथ प्रतिदिन अपनी आवश्यकता को भी पूरा करते करते जीवन पूरा होने के पहले ही हमारी अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए और पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदचत में हम पहुंच जाए ऐसी कृपा करना गुरुदेव। और गुरुदेव ऐसे ही आशीर्वाद देना चाहते हैं, पोकड़ आशीर्वाद नहीं।